सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के सरावगी टोला वार्ड में बीती रात चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया। घर में घुसकर चोरों ने घर के दरवाजे तोड़ दिए और अलमारी तोड़कर ज्वेलरी समेत नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सदरपुर थाने में डायल 100 की ड्यूटी कर रहे आरक्षी राहुल सैनी के बंद पड़े घर पर चोरों ने धावा बोलकर अलमारी तोड़ दी और अलमारी में रखी ज्वेलरी और 3,000 रुपये नकद ले उड़े। वहीं दूसरी तरफ सरावगी टोला के ही रामचंद्र यादव के परिवार में सभी लोग घर की छत पर सो रहे थे। घर का ताला तोड़कर घर में घुसे चोरों ने घर में रखी हुई ज्वेलरी और 30,000 रुपये नकद की सामान पर हाथ फेर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में चोरों ने रामचंद्र यादव के घर के पीछे कुछ सामान भी छोड़ दिया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परिजनों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी किसी भी तरह की तहरीर नहीं दी गई है, सामान की सूची बनाई जा रही है, चोरी गए सामान की सूची बनाने के बाद में तहरीर दी जाएगी। लेकिन क्षेत्र में एक ही वार्ड के दो घरों को चोरों के निशाना बनाए जाने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। ऐसी घटनाएँ उस वक्त हो रही हैं जब पुलिस अपनी सख्त पुलिसिंग और गश्त का दावा कर रही है। अगर ऐसी घटनाएं और हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।